आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी मिल्के की रेसिपी। इसे अलवर का मावा भी बोला जाता है, जिसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। अब इसमें हम एक उबाल आने देंगे। तो देखिए दूध में उबाल आ चुका है, बट हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये आधा ना रह जाए। तो लगातार चलाते हुए हम इसे पकने देंगे। ध्यान रखें कि हमें इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये तले से चिपकना शुरू हो जाएगा। तो देखिए दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है, बस इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। आपको पता है फ्रेंड्स, मिल्क केक बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दूध, चीनी, नींबू और घी की। और ये हर किसी के घर में अवेलेबल भी होती हैं चीज़ें। तो अब देख सकते हैं कि दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1/4 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, ताकि जो हमारा मिल्क केक है वो दानेदार बने। आप लेमन जूस की जगह फिटकड़ी डाल सकते हैं, या साइट्रिक एसिड, जिसे हम नींबू का शरबत भी बोलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए दूध में दाना बनना शुरू हो गया है, ये देखिए। बस इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 1.5 कप चीनी ली है। चीनी डालते वक्त आप ध्यान रखें कि आपको सारी चीनी एक साथ नहीं डालनी, तो थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें चीनी डालते जाएंगे। मतलब जैसे हमने चीनी डाली उसे मेल्ट होने देंगे, फिर दोबारा चीनी डालेंगे, फिर मेल्ट होने देंगे। तो इस तरह से 3 से 4 बार में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मिल्क केक बनाने में बस हमारी यही मेहनत लगती है फ्रेंड्स। इसे हमें इसे लगातार चलाते रहना पड़ता है। बट जब ये बनकर तैयार होता है ना, यकीन मानिए लाजवाब बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीनी इसमें डाल दी है, बस इसे हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे। तो देखिए कितना अच्छे से दाना बना है दूध में। अब इसमें हम 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया और ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक ग्रीस किए हुए टिन में निकाल देंगे। ध्यान रखें कि हमें इसे ठंडा नहीं होने देना, हमें इसे गर्म गर्म ही एक बर्तन में निकाल लेना है। और मैंने यहाँ केक टिन लिया है, जिसे मैंने घी से ग्रीस करके रखा हुआ था। इसमें हम अपना सारा मिक्सचर डाल देंगे। इसे सेट कर लेंगे एक स्पून की हेल्प से। अब इसे हम एक टॉवल में लपेटकर 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें हीट बनी रहे। तो 3 घंटे हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे से सेट हो चुका है। अब नाइफ की हेल्प से इसकी साइड्स को रिमूव करेंगे।
से हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो चलिए अब इसे हम काट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है ये। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे पिस्ता के साथ। आप चाहें तो इसके ऊपर बादाम भी लगा सकते हैं। अब इसका कलर देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा, और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी बना है। तो इस रक्षाबंधन पर आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।